नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल साकेत, जहां होती हैं अयोध्या और उसके आसपास से जुड़ी कुछ खास खबरें। अभी खबर अयोध्या से। अयोध्या में आरटीई के तहत कुछ अभिभावकों द्वारा इंडो अमेरिकन स्कूल रीडगंज पर आरोप लगाए गए हैं कि यहां आरटीई के बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है और पढ़ने से मना किया जाता है। इसका खंडन करते हुए विद्यालय के प्रबंधक किरण सक्सेना ने बताया कि ये सारे आरोप निराधार हैं और इन आरोपों का खंडन करते हुए विद्यालय के प्रबंधक श्रीमती किरण सक्सेना ने अपना पक्ष और तथ्य प्रस्तुत किए। उन्होंने यह भी बताया कि इंडो अमेरिकन स्कूल में 2016 से लेकर आज तक करीब 95 बच्चे आरटीई के तहत पढ़ रहे हैं और सामान्य रूप से शिक्षा दी जाती है। आर्थिक संकटों की वजह से हमने बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या को एक पत्र लिखा था और आरटीए के अभिभावकों से मीटिंग करके उनकी भी अपनी समस्याओं के से अवगत कराया गया था। बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय और नगर शिक्षा अधिकारी ने हमें संचालन के लिए जो दिशा निर्देश मिले हैं उनका पालन किया जाएगा और किसी भी बच्चे की शिक्षा में कोई बाधा नहीं आएगी। कुछ लोग विद्यालय के नाम को बदनाम करने के लिए झूठ फैला रहे हैं, उसका खंडन करते हैं। उसके बाद आरटीए के अंतर्गत कई अभिभावकों से बात भी कराई गई, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस तरह के सारे आरोप निराधार और गलत हैं। यहाँ पर हमारे बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और अच्छे नंबरों के साथ साथ सभी प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत भी किया जाता है। ये खबर थी अयोध्या से। इसमें जो हमारे यहाँ पेरेंट्स अपनी शिकायत मान लीजिए डीएम या एडीएम साहब के पास या बीएसए साहब के पास लेकर गए, इसमें उनका कहना है कि इस सत्र में यहाँ बच्चों को हमने पढ़ाने से मना किया है या उनकी टीसी काट दी है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। हमारे यहाँ आरटी के तहत जो है वो करीब सन 16 से बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं और आज भी हमारे पास आरटी के तहत करीब करीब 95 बच्चे हैं जो कि यूडायस पोर्टल पे भी रजिस्टर्ड हैं और हमने ना किसी बच्चे की टीसी काटी है, ना किसी बच्चे को हमने पढ़ने पढ़ाने से मना किया है। और इसी के इसमें आपके जो बीएसए साहब हैं उनके यहाँ से भी कुछ लोग आए थे और उनके सामने भी सारे पेरेंट्स ने अपनी समस्या रखी थी और हमने भी उनके सामने कहा था कि जैसे आपके बच्चे पढ़ रहे हैं वैसे ही आगे भी बच्चे पढ़ते रहेंगे। और इसमें बस एक समस्या ये थी कि अब हमारे जो हस्बैंड हैं वो नहीं रहे, 2 साल पहले उनका देहांत हो गया और इससे पहले हमारे पास बच्चे भी करीब 40-45 ऐसे रहते थे, लेकिन अब आज के समय में जैसे 95 बच्चे हैं तो थोड़ा सा हमें उनको देखने में और सारी जो भी हम लोग स्कूल से फैसिलिटीज़ वगैरह देते हैं उसमें थोड़ी सी हम लोग समस्याओं का सामना कर रहे थे। आर्थिक संकट, अब आप अगर हस्बैंड ना हो और यही एक हमारे पास स्कूल है, हमारी भी 2 बेटियां हैं तो उनका भी लालन पालन हमें यहीं से करना है, तो इसी के तहत हम लोग भी जो बीएसए साहब हैं उनके पास गए थे और अपनी समस्या हमने रखी थी कि हमारे यहाँ 95 बच्चे इन रोल्ड हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैम, आप अभी कुछ 2-3 साल आप कम से कम बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि ये एक मतलब सरकार की भी योजना है और एक आप समझ सकते हैं कि पुण्य का भी काम है। तो हमने उनकी बात को मानते हुए पेरेंट्स के पास हमने मैसेज भी किया और उनसे भी कहा कि नहीं, आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ते रहेंगे, इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद भी कुछ एक पेरेंट्स हमारे ऐसे हैं जो केवल स्कूल को बदनाम करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो आरटी के वाले बच्चे हों या कोई और बच्चे हों, भेदभाव हम लोग कहीं नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम हम कहीं नहीं करते हैं। हमारे यहाँ अगर होली मनाई जाती है
ईद भी मनाई जाती है, हमारे यहाँ कई मुस्लिम टीचर भी हैं, तो इसमें ना तो कोई हमारे यहाँ हिंदू और मुस्लिम किया जाता है, ना ये कि ये बच्चा गरीब है, एक समान ही एजुकेशन देते हैं। तो करीब इस इसमें भी हमारे पास करीब 12 बच्चे आए हैं, तो हमारा जो कोटा है वो पूरा हो चुका है। बीएसए साहब ने जो भी हमें अपना गाइडलाइंस दिया है हम उसको फॉलो करेंगे, और आज हमारे स्कूल का पहला दिन था और आज भी यहाँ करीब 48 बच्चे प्रेजेंट थे। अब आप इसी से समझ सकते हैं, उन्होंने पहले पेरेंट्स की भी सारी बात सुनी और हमारी भी बात सुनी, और उनकी आप इस सत्र में बच्चों को आप भी जो इनकी एजुकेशन है आप इसको कंटिन्यू रखिए, और बाकी आप बीएसए साहब से मिलिए और आगे जैसा वो आपको गाइडलाइंस देंगे आप उसको फॉलो करिएगा। तो गार्जियन से केवल यही कहना चाहते हैं कि जैसे अब तक आपके बच्चे बिना किसी कठिनाई के यहाँ पर पढ़ रहे थे, उसी तरह से वो अपने बच्चों को हमारे पास भेजें और जो इनके इसका लाभ है वो उसको लें। मेरा नाम किरण सक्सेना है। अमेरिकन में केदार नर्सरी में हुआ था उसका एडमिशन जी। अब नर्सरी पास करके केजी में गया। आपका क्या कहना है? आपके ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे सब बच्चों को पढ़ाया जाता है वैसे हमारे बच्चे को भी वहीं ट्रीट किया गया है। अच्छा। उसका माइनस प्लस पॉइंट सब बताया जाता है जी। आरटी के तहत 5 बच्चों का जो गोल्ड उसमें नाम आया था उसमें हमारे बच्चे का भी आया था। अच्छा अच्छा। वही 3 बच्चे वो थे तो 2 आरटी वाले भी थे जिनको इन्होंने पुरस्कार दिया था जी। वो 90% सुपर थे। ऐसा गलत है, अब वो उनके कुछ गार्जियन की उनकी सोच होगी, मगर हम लोग को तो कभी ऐसा नहीं लगा। पढ़ता है 95% उसका मार्क्स आया था, इन्होंने उसको गोल्ड उसमें वो भी रखा था, पुरस्कार में भी उसमें ऐड किया था। क्या है बच्चे का नाम? प्रभजोत कौर। आपका क्या नाम है? गुरमीत सिंह। कहाँ है? भाई इंडो अमेरिकन में पढ़ता है। आरटी हमारा, हमारी बिटिया का एडमिशन 19 में हुआ था, 19 में, और इस समय 24 चल रहा, 4th में है वो जी जी। और कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास पढ़ाई है उसकी, हर क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ 5 साल से पढ़ रही, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे बढ़िया शिक्षा है, बढ़िया वो है, कहीं कोई हमें आज तक परेशानी नहीं हुई। 5 ओलंपियाड हुआ था उसने मैथ में नेशनल लेवल पर, उसको वो मिला पदक, मतलब बहुत ही अच्छा वो है यहाँ का वो। AK अग्रवाल एंड जनी कुमार अग्रवाल।